तो वेलकम बैक टू द गाइस रायत केयर में आपका स्वागत है। सो गाइस आज हम एक बार फिर आ चुके हैं वसी केटीएम शोरूम में, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हस्काना कड़ी है 2024 मॉडल। तो गाइस आज हम इसका रिव्यू करने वाले, इन डिटेल रिव्यू। जैसे कि आप देख सकते हो कि यह है अविट पिलन, हस्काना अविट पिलन देख सकते हो, इसका हम इन डिटेल रिव्यू करने वाले। तो सबसे पहले गाइस मैं थैंक्यू कहना चाहूंगा वसी केटीएम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया वीडियो शूट करने के लिए। सबसे पहले उनको थैंक यू, और रामोल सर उनकी टीम को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। तो गाइस इसका इंटीरियर रूम आपको बताने वाला हूँ, तो सर लास्ट तक बने रहेगा गाइस। इसमें मैं आपको कितने कलर से, ऑन रोड प्राइस क्या है इसकी, और भी सारी मैं चीजें बताऊंगा, माइलेज क्या है वो भी और भी सारे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलो गाइस आज शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या नए अपडेट्स दिए गए हैं, और कंपनी ने इसमें पूरा इंजन चेंज किया है, बहुत सारी चीजें जो चेंज की गई है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। आपने एक छोटी सी बाइक की झलक को देख लीजिएगी। तो गाइस अभी हम शुरुआत करते हैं हस्काना विद पिलियन 2024 मॉडल। सबसे पहले हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरह कुछ की आती है, यहाँ पे हस्काना की ब्रांडिंग दी गई है, इस तरह कुछ की आती है गाइस, की में भी काफी चेंज कर दिए गए। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडलाइट से। तो जैसे हम हेडलाइट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो साइड में डीआरएल थे वो निकल के यहाँ पे एक रिंग प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे हम बाइक ऑन करते हैं तो पहले से तो यहाँ पे डीआरएल दिए गए, पहले साइड में आने का भी यहाँ पे कर दिए गए, और ये पट्टी काफी अच्छी है सेफ्टी के लिए। और जो गाइस तो नीचे आते तो यहाँ पे, तो गाइस जैसे नीचे आते तो यहाँ पे मड़गा दिया गया जो काफी प्यारा, थोड़ा बड़ा कर दिया गया, तो पहले काफी छोटा था थोड़ा। यहाँ पे हस्काना की ब्रांडिंग दी गई है, और काफी हार्ड मटेरियल यूज किया देख सकते हो गाइस। और जैसे हम फिर यहाँ पे टायर के यहाँ पे आते तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमआरएफ के रेफजी FC1 टायर यूज किए गए है, जिसका जो गाइस साइज है 110/870। तो वैसे ऐसे सस्पेंशन की तरफ आते हैं तो WP एपेक्स के सस्पेंशन दिए गए हैं, जो 43 mm के डायमीटर के साथ में आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक दी गई है, जो इन्हें जो ब्रेक यूज किया है वो बाइब्रेक के ब्रेक यूज किए गए, जो काफी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो डिस्क की साइज है गाइस जो 320 mm की डिस्क साइज है, और डिस्क में भी काफी सारे चेंज किए गए पहले के मुकाबले। ये जो डिस्क है काफी अच्छी टिंग है, बेस्ट है, जिससे कि फटाफट ये डिस्क ठंडी हो सकती है। तो जैसे गाइस हम पीछे इंजन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो इंजन में भी काफी चेंज कर दिया गया है, 249/07 cc का इंजन दिया गया है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे दिया गया है 249/07 cc का इंजन दिया गया है, जो लिक्विड कूल 6-speed गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है गाइस। इसमें 6-speed गियर ट्रांसमिशन दिया गया है, जो पावर जनरेट करता है वो 31 PSI की पावर जनरेट करता है, और 25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और जो देखा इसे यहाँ पर देखते तो यहाँ पे कूलिंग के लिए जगह दी गई है, जो काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे साइलेंसर के लिए जो यहाँ पे प्लेट दी गई, जो जिससे कि कोई भी पत्थर या कुछ भी आपके यहाँ ना लगे, तो सेफ्टी गार्ड भी प्रोवाइड किया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। और जैसे हम पीछे आते तो यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो एडजस्टेबल है, यहाँ पे बहाना सिंगम भी प्रोवाइड किया गया है। जो गाइस फ्रेम जो है वो टेलिस फ्रेम प्रोवाइड की है कंपनी ने, जो काफी अच्छी बात है, जिससे काफी लाइट वेट होने में मदद होती है। और मोनोशॉक सस्पेंशन के कारण और बहाना सिंगम के कारण इसमें वेट में भी डिफरेंस आया है, तो गाइस वेट में 1 kg का डिफरेंस आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि साइड माउंटेड एग्जॉस्ट निकल के अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है, ये भी काफी एक अच्छी बात है, इसमें भी वेट का भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ होगा। तो गाइस जैसे हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे जो गाइस ये जो टायर की साइज है 150/60 R17, ये जो टायर की भी MRF टायर है गाइस सेम। तो यहाँ पे फिर देख सकते हो कि डिस्क दी गई है 240 mm की डिस्क दी गई है, फिर से बाइब्रेक ब्रेक यूज किए गए,
तो काफी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही हम पीछे साइड में आते हैं तो यहाँ पे पैर से एक टेल लाइट दी गई, जिसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस काफी पैर से टेल लाइट दी गई है, यहाँ पे नंबर प्लेट LED भी प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड किया गया, तो काफी अच्छी बात है। और जैसे मैं इंडिको पर दिखाता हूँ, इंडिको पर कैटर काफी ब्राइट है पहले के मुकाबले, और काफी अच्छा हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, कि कोई भी ऐसा रबर यूज नहीं किया। मैं अगर प्रेशर दे रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है गाइस, तो मैं इसे पिलर बंद कर देता हूँ। तो गाइस इस साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे टायर हगर भी प्रोवाइड किया गया है और साड़ी गाड़ी प्रोवाइड किया गया है, तो काफी अच्छी बात है। तो हमें अलग से साड़ी गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस हम हैंडल बार की तरफ आते हैं तो मैं कैमरा नजर लगा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है 4-way मेनू दिया गया है, जो हैंडल बार है, जो हैंडल बार है वो सेम 250 के वैसे ही सेम दिया गया है गाइस। तो यहाँ पे देखते तो 4-way मेनू दिया गया है, हेजर का सिस्टम दिया गया है, हॉर्न का दिया है, इंडिकेटर दिया गया है, आई बीन लोबिन प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे स्टार्टर स्विच और किल स्विच प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस जैसे हम मीटर कंसोल की तरफ आते हैं तो जैसे ऑन करते हैं तो इस तरह का यहाँ पे हेडफोन की ब्रांडिंग आती है, जो लेफ्ट साइड में है आपको टाइम दिया गया है, यहाँ पे न्यूट्रन का बताया गया है, यहाँ पे इंजन वेल फंक्शन दिया गया है, ABS ऑन दिया गया है, न्यूट्रन का इंडिकेटर बताया गया है। तो जैसे गाइस हम इसमें इसमें मोड्स का देखते हैं, इसमें क्या क्या मोड्स मिलते हैं। तो जैसे हम मेन्यू प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ABS दिया गया है, ABS के अंदर हम जाते हैं तो जैसे हम ABS के अंदर जाते हैं तो गाइस यहाँ पे रोड मोड दिया गया है। रोड मोड में क्या होता है कि दोनों ABS वर्क करते हैं, और जैसे हम सुपर मोटो मोड में आ जाते हैं तो पीछे का ABS है जो ऑफ हो जाता है। और जैसे हम बाइक इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं कि बैटरी का वोल्टेज क्या है एंड सर्विस कितने टाइम पे है, वो सब दिया गया है। और जैसे ट्रिप के बारे में बताया गया है, लैप टाइम दिया गया है, उसके बाद में और भी कुछ फीचर दिए गए दोस्तों, उसमें क्विक सीटर प्लस भी दिया गया है, क्लॉक डेट टाइमिंग और सब बताया गया है। और इसके अंदर इसमें हमें राइड बाय वायर भी मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट यहाँ पे वायर नहीं है। तो गाइस राइड बाय वायर प्रोवाइड किया गया है, क्विक सीटर प्लस प्रोवाइड किया गया है, प्लस 5 इंच की LCD डिस्प्ले की दी गई है। अगर मैं कैमरा नजर दिखा चाहूंगा कि 5 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है, जो काफी अच्छी बात है। और उसी के साथ में लेफ्ट हैंड में हमें चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया गया है। हाँ गाइस टाइप सी चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो देख सकते हो आप टाइप सी चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तुम्हें अलग से कोई भी चार्जिंग लगाने की जरूरत नहीं है, चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया कंपनी ने, काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने आपको बोला हेजर सिस्टम, तो आपको हेजर सिस्टम ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो ये रहा हेजर सिस्टम, तो मैंने ऑन करके दिखाया। और इसकी और एक अच्छा फीचर गाइस, जैसे मैं की ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि 250 में देखा सेम फीचर में दिया गया कि निकालने के बाद भी हेजर सिस्टम ऑन रहता है। अभी कुछ भी करो मैं बंद नहीं होगा, अब हेजर सिस्टम देख सकते हो, जब तक मैं इसे की नहीं लगाता अंदर इसके, जैसे मैं की लगाऊंगा ऑन होने के बाद, मैं जैसे बटन प्रेस करूंगा हेजर्ड का, तभी ये ऑफ होगा। तो वाइस काफी अच्छा फीचर दिया गया है, नाइट में आपको काफी यूजफुल होगा। तो गाइस हम सीट हाइट की बात करें तो 820 mm की सीट हाइट है। गाइस आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मुझे पता है उसके हिसाब से कि इसकी जो पहली हाइट थी उसके मुकाबले 22 mm कम हो गई हाइट। ऑन रोड प्राइस की बात करूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो गाइस इसमें ऑन रोड प्राइस है 2,59,000 rupees। ये जो प्राइस है ये वसी के टाइम शोरूम में है गाइस, मेरे आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, प्राइजेस में डिफरेंस आ सकता है, तो आप वो जरूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। और कैसे गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको इसके कलर के बारे में बताऊंगा, तो फिर फिलहाल गाइस इसमें एक ही कलर अवेलेबल है, व्हाइट एंड ब्लैक, जो देख सकते हो ये वाला व्हाइट एंड ब्लैक। और इसमें आप देख सकते हो विट पिलन की बैजिंग दी गई है 3D में, जो काफी लुक इनहेंस कर रहा है गाइस। और रेडिएटर गार्ड पे भी हक सोने की बैंडिंग दी गई है और सिंगल फैन इसे प्रोवाइड किया गया है। और गाइस विट पिलन का जो मीनिंग है वो है व्हाइट एरो, आपको नहीं पता था बताया होगा गाइस, विट पिलन का जो मीनिंग है व्हाइट एरो। तो गाइस हम इसकी टैंक की बात करें तो 9.5 लीटर की टैंक पहले थी, अभी 13.5 लीटर कर दिए गए, टैंक कैपेसिटी बढ़ा दी गई है गाइस। और इसकी सीट हाइट की बात करें तो 820 mm की इसकी सीट हाइट है। तो गाइस मेरी जो हाइट है वो 5.8 है, तो मैं इस तरह बिट के देखता हूँ, जो ऑब्वियसली काफी कंफर्टेबल होगी मेरे लिए। तो गाइस हम जैसे मैं इसे उतरता हूँ तो हम इसकी वेट के ऊपर आते हैं। तो गाइस इसका जो वेट है 163.8 kg का वेट है गाइस, जो पहले से काफी कम कर दिया गया। और गाइस आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसके बाद जो है मेरा 250 vs हस्वर्णा 250 विद पिलन का कंपैरिजन वीडियो आएगा, वो जरूर देखना गाइस इसके, ये वीडियो अपलोड होने के बाद। तो गाइस हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे, तो गाइस मैं इसको पर बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद जो है बैठ जाता हूँ। तो गाइस एग्जॉस्ट नोट सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि गाइस इसका कॉस्ट कटिंग किस कारण हुई है, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे चेंज किए गए, जैसे कि ब्लूटूथ नहीं दिया गया है, सस्पेंशन में चेंज किया गया है, एंड एग्जॉस्ट का जो पहले बाहर था एग्जॉस्ट के कारण भी प्राइस में कम किए गएगा गाइस, जैसे फ्रेम में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारी चीजें में चेंज किए गए, उसके कारण इसका प्राइस कम हो गया गाइस। और जो मेन जो मेजर डिफरेंस है वो टायर के कारण, क्योंकि गाइस ये जो टायर है KTM 220 में आते थे,
अभी फिलहाल इसमें दिए गए हैं, तो उसकी वजह से प्राइस में काफी अच्छा खासा डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट डबल डिफरेंस हो गया है। ये अगर हम 250 की बात करते हैं तो 250 में MRF के स्टील के टायर आते हैं जो इससे डबल कॉस्ट पे ये करते हैं गाइस, तो इसकी वजह से प्राइस में काफी अच्छा कॉस्ट कटिंग हुआ है। तो गाइस अभी हम आपको नोट एक साथ नोट सुनाता हूँ, तो मैं बात को जैसे ही ऑन करता हूँ स्टैंड ऊपर ले लेते हैं, किल स्विच ऑन करते हैं। तो गाइस देख सकते हो काफी प्यारा सा साउंड था। तो गाइस आपको कौन कह रहा कमेंट में जरूर बताएगा, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसा था लाइक कीजिएगा, और जो KTM लवर है उनको ऐसा था शेयर कीजिएगा, जो हर पसंद लवर उनको भी शेयर कीजिएगा। तो गाइस इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 2,59,000 रुपीज है इसकी ऑन रोड प्राइस। ये जो प्राइस है वैसे KTM शोरूम में गाइस, ये आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो गाइस वो जरूर चेक कर लीजिएगा गाइस। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।